जी विनेश जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? क्या करती हैं आप? मैं अभी तो सीएसएस कर रही हूँ, सीएसएस की स्टूडेंट हूँ। सीएसएस क्यों करना है? सीएसएस आई वांट पावर, आई वांट अथॉरिटी, सीरियसली मुझे अपने बल पे कुछ करना है, मुझे अपने पांवों पे खड़ा होना है। क्या चीज आप में इंटरेस्टिंग है? हार्ड वर्किंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेयरिंग। डेयरिंग कैसे पता चला आपको? डेयरिंग कैसे पता चला? इस तरह पता चला कि मुझे रेसिंग करने का बहुत शौक है, मैं ड्राइव करती हूँ। जो भी मेरे साथ बैठता है, लाइक मेरे फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स, लाइक उन लोग की हालत टाइट हो जाती है। क्या डेयरिंग काम कर सकती हैं आप? डेयरिंग काम मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। अच्छा, ये तो बहुत दफा मैंने सुना है। बहुत ऐसा कर दूंगी कि ये कभी नहीं हुआ, मैं ऐसा कर दूंगी ये कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन आज मैं वो करूंगी जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, क्या करेंगी आप? आपकी सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस क्या? आपकी सक्सेस का राज क्या है जो आप दुनिया से छुपाते हैं? अच्छा, मेरी सक्सेस का कोई राज है जो दुनिया से छुपाता हूँ मैं? जी जी, क्या है? मैं तो बता दूंगी, मुझे तो पता है आपकी सक्सेस का राज, आप बताएं। आप यहाँ पर ऑडिशन देने आई हैं? मैं ऑडिशन देने नहीं हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ यही तो डेर, आज तक किसी ने भी आपका सक्सेस का राज नहीं बताया होगा। किसी दोस्त से शर्त लगा के आई हुई हो कि देखो मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी? देखो एक मिनट, अगर इस शो में आगे नहीं जाना ना तो ठीक है, आप यहाँ तक आ गई, आगे मस्ती करके टाइम जाया नहीं करो, हो सकता है किसी का चांस मिस हो जाए जो सही मानों में आना चाहता हूँ। आगे जाना न जाना वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ वो डेयर है। अपनी सक्सेस का राज बताएं। चलो यार बताओ, मेरी सक्सेस का राज क्या है? आर यू श्योर? बताऊं, बर्दाश्त कर सकेंगे? अच्छा मैं बताऊं, ये कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा? मुझे शौक नहीं है कोई एक्टिंग। अच्छा क्या? नहीं, अगर इतने डेयरिंग है ना तो ये ऑन एयर शो करिएगा। ये जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और जो बोल रही हूँ ना वो ऑन एयर दिखाइएगा। क्या ऑन एयर दिखाना? मैं समझा नहीं। आप थियोस्टिक सेंटेनिज्म में बिलीव करते? इतना मुश्किल लफ्ज गूगल से याद कैसे किया आपने? आप किसको पूछते हैं? आप किस किस आगे सजदा करते हैं ये बताएं? अल्लाह के सिवा और किसके आगे करना चाहिए ये बताएं ना? आपको इतनी जल्दी सक्सेस क्यों मिली? कैसे मिली? इतनी जल्दी तो नहीं मिली, आपको क्या पता? अली जफर, आतिफ असलम, उनको इतनी जल्दी सक्सेस मिल गया, कैसे मिल गया? और लोग भी तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको तो नहीं मिला, जिंदगियां लग जाती हैं उन लोगों को। चांस 50% तो खो चुकी हो तुम इस शो में आने का। लेकिन जो मैं करने आई हूँ वो तो मैं करूंगी। अच्छा बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ आराम से, क्योंकि लड़की के साथ बदतमीजी इस शो में होती है तो लोग बोलते हैं चीखो पुकार कर रहे हैं। आप बदतमीजी करें कुछ भी करें, लेकिन आप पहले ये बता दें आप ज़ायनिस्ट हैं? क्या होता है भाई ये? आप शैतान को पूछते हैं? शैतान को पूछते हैं जी? कैसे भाई ये शैतान? अच्छा एक मिनट, शैतान को पूजा कैसे जाता है पहले तो ये बताएं। आप करते हैं, पूछते हैं, आप पहले अपना रिवील करें ना सीक्रेट। क्या प्रूव है यार आपके पास? साइंस तो आपको पता होंगे, एक ये साइन है, एक ये साइन है, ये सब साइंस हैं। आपको ये कैसे पता कि ये साइन भी है? अच्छा ओ देखो ये होता है ये साइन, ये शैतान का साइन ये होता है। अच्छा, ये नहीं होता। आपने ये सबसे पहले ये चीज बताएं कि आपने सबसे पहले अपनी डेयर में सांप को किस क्यों की? आपको इसका मतलब पता है? सबो से आप किसे करवाते फिर रहे हैं सांप को? आपको पता है कि सांप किस चीज का साइन है? अच्छा मैं शैतान की पूजा करता हूँ और मैं सांप को इसलिए किस की है क्योंकि वो भी शैतान था। रूप है। अच्छा जी, ये जो आपने गले में लॉकेट पहना है क्यों पहना है? क्या शो करना चाह रहे हैं आप? आज तक किसी ने किया होगा, किसी ने बताया होगा, आपकी ये सीक्रेट रिवील की होगी किसी के सामने? इल्यूमिनाटीज के आप मेंबर हैं? ओ अच्छा, इल्यूमिनाटीज का मेंबर? जितना आप इन लोगों को पूजेंगे इतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। आपको पहले ये साबित करना है कि वाकई मैं शैतान को पूज के यहाँ तक पहुँचा। अच्छा आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि? अच्छा ठीक है, अगर आप इतने सच्चे हैं ना, आप अपनी शर्ट उतार के दिखाएं फटाफट, बहुत डेयरिंग है, बहुत सच्चे। शर्ट उतार के दिखाएं, आपकी कमर पे क्या है? क्या है मेरी कमर पे? शर्ट उतार के दिखाएं। क्या है मेरी कमर पे? बताएं ना आप, शर्ट उतार के दिखाएं। आप सच्चे हैं ना? वो पता चल जाएगा आपकी शर्ट उतारने के बाद। पता चल जाएगा मैं क्यों शर्ट उतारूं? आपके शर्ट उतारने के बाद पता चल जाएगा कि आप इसके मेंबर हैं कि नहीं है। अच्छा इस शर्ट उतारने से पता चलता है? जी। कमर पे क्या चीज होगी? आप उसको छोड़ें, क्या चीज होगी कि नहीं होगी, आप शर्ट उतार के दिखाएं। आप पहले ये तो बताएं ना होगी क्या। आप उसको छोड़ें, वो आपकी कमर देख के पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यार आप टाइम जाया कर रही हैं, दोस्त से शर्ट लगा के आई हुई हैं कि देखो मैं वकार की शर्ट उतरवा दूंगी। आपकी कमर पे साइन है ज़ायनिस्ट का, जो भी मेंबर होता है, जो भी उसको ज्वाइन करता है तो उनकी कमर पे या बॉडी के किसी हिस्से पे साइन बनाया जाता है कि हाँ भाई ये मेंबर है निशानी के तौर पर, और वो आपकी कमर पे। बात आप कर रही है बिला वजह की।
अच्छा चलो किससे शर्ट लगाई है कि शर्ट उतारेगा शो में? मुझे शौक नहीं है शर्ट लगाने का। चलो बता दो, उतार दूंगा, उतार दूंगा। किससे शर्ट लगाई? सच मुझे जरूरत नहीं है, ड्रामा नहीं करो, शैतान की प्रस्ती है, और ड्रामा नहीं करो शर्ट लगाने का। मुझे शौक ही नहीं है शर्ट लगाने का, और ना मैं लगाती हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ अभी आपसे कि आपने शर्त लगाई हुई है? ठीक है, आप मुझसे शर्ट लगा सकते हैं? कम ऑन, ठीक है मैं भी लगाती हूँ। आई डे यू शर्ट उतार के दिखा। अभी तो आप कह रही हैं मैं शर्त लगाती नहीं हूँ। अच्छा आप ये कह रहे हैं, आप तो मुझसे क्यों लगा रही हैं? ऑन एयर चलेगी ना ये बात? ठीक अच्छा, है ऑन एयर शर्तें लगाती हो? इन इस चीज को मैं साबित करने के लिए आपसे शर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने रूल्स ब्रेक करने के लिए तैयार हूँ कि मैं शर्ट नहीं लगाती, लेकिन ये शो करने के लिए आप ज़ायनिस्ट हैं, इल्यूमिनाटीज के मेंबर हैं, मैं आपसे शर्ट लगाऊंगी ये बात शो करने के लिए, ये बात रिवील करने के लिए। आप ऑडिशन में आएंगे, आप मेरे ओपिनियंस को आखिरी दफा चैलेंज कर रहे हैं। मुझे कोई भी चीज आपको साबित नहीं करनी, आपको हर चीज मुझे साबित करनी है। ज्यादा अगर आपको शौक है तो जाकर फेसबुक पे लिखें ये बातें जिस तरह बाकी लोग लिखते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, वो मुझे कामयाबी देता है। मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, लड़कियों से ना हम बदतमीजी करते नहीं, क्योंकि जब होती है तो फिर लड़कियों की गलती लोग भूल के मेरे ऊपर आ जाते हैं, लड़की से बदतमीजी कर दी, औरत कह कर औरत के लिए तो ख्याल रखना चाहिए, बातें ना करें। तो मैंने ठीक है ड्रामा कर लिया ना यार, ड्रामा कर लिया, ऐसी बात ही नहीं की, कोई बेहुदा वल्गर बात ही नहीं की। अगर वो वल्गर बात की होती, कोई बेहुदा चीप बात की होती तो बात ही क्या, आप बदतमीजी करते। वो जो आजकल कूल बनने के लिए आपको दो किस्म के लोगों को हो गए ना, ओ माय गॉड इल्यूमिनाटीज होते हैं और ये शैतान की पूजा होती है, जब भी मीडिया में सक्सेस मिलती है आप उस तरह सोच रही हैं। ये कूल लोग नहीं करते, जो सेंसिबल लोग होते हैं ना वो करते हैं। अच्छा जी, आपको मैं एक बात बता दूं, जिनके पास अकल होती है, जिनके पास शऊर होता है वो करते हैं, कूल लोग ये सब चीजें नहीं करते। अब यहां से रिजेक्ट करूंगा तो आप कहेंगी और सब कहेंगे कि जी क्योंकि इसने ये बात की थी तो इसलिए इस तरह की हरकत हो गई। क्या देख ले आप चैलेंज क्या करेंगे? अच्छा ये बस ड्रामा लंबा हो गया ना बिला वजह। आप ठीक है, आपने शर्त लगाई थी, आपकी शर्त अकॉम्प्लिश नहीं हुई कि किसी से के वकार की शर्ट उतर जाएगी। अच्छा था ड्रामा, अच्छा था जी। ये ड्रामा ड्रामा नहीं है, आपको भले से लगे कि ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है। अच्छा डेयर क्या करेंगी? डेयर तो वो करेंगी जो भी आप बोले, और ये भी मेरी डेयर का। अच्छा बट ठीक है हो गया ना, ये अब ऐसे भेज दूंगा तो फिर बोलेंगे जी बदतमीजी होती है। यहाँ पर आपने जो है 50 पुशअप्स कर, 50 पुशअप्स हिम्मत दिखा दिए ना। क्यों बदला ले रहे मुझसे? बदला क्यों? कि मैंने आपको इससे डबल डेयर दे सकता हूँ मैं, वैसे भी 60 पुशअप करेंगी। ओके फाइन मैं करूँ। गो 1 2 3 4 मुझसे बोले उठिए बात में 5 6 7 टेढ़ तो नहीं हुआ आपसे? हाथ ही आपका टेढ़ा हो रहा था। लेकिन मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैंने ये लेम एक्सक्यूज दी नहीं, आप खुद मेरा हाथ दे सकते हैं। मेरा हाथ प्रूव है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है। करें दिखाएं कैसे? मेरी दो एल्बो है। सिलेक्शन आपकी हो नहीं सकती। मैं प्रूफ लाके दे सकती हूँ ऑन एयर कि आप, अब आप प्रूफ लाएंगी तो सिलेक्शन होगी। देखा आप लोग ने कि मुझे बकार ने सिलेक्ट नहीं किया, मुझे पोस्टर नहीं मिला, और ये बात कंफर्म है। आपने आप लोगों ने खुद देखा होगा गुड मॉर्निंग शो में, इनके ऊपर भूत चढ़ा रहे हैं, तरीका तो बिल्कुल सेम था, इनके ऊपर कोई जिन नहीं चढ़ रहा था। इस बात का सबूत है कि ये इल्यूमिनाटी से मेंबर है। अगर मैं डेयर में नहीं आती तो आप लोग खुद समझ जाएगा कि ये शैतान की पूजा करते और ये मीडिया पे अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन ये किसी और को पूछते, इनका खुदा कोई और है।